मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। इफ यू कैन सी इंटरव्यू मेथड इन बिजनेस रिसर्च, ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। हम डिटेल में देखेंगे कि इंटरव्यू होता क्या है, इसका क्या इंट्रोडक्शन है और क्या टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया कि हम क्या करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस द इंट्रोडक्शन। इंटरव्यू इज द वर्बल कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, यानी तहकीक करने के लिए दो लोगों के दरमियान वर्बल एक गुफ्तगू जो होती है आपस में, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, जबानी कलामी जो गुफ्तगू होती है दो लोगों के दरमियान तहकीक करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। लेकिन इस इंटरव्यू को इसकी डेफिनेशन ऑथर्स ने भी की है। अकॉर्डिंग टू मैकनमारा 1999, वो कहती है कि इंटरव्यूज आर पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर गेटिंग द स्टोरी बिहाइंड अ पार्टिसिपेंट्स एक्सपीरियंसेस। जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसके एक्सपीरियंस से जो स्टोरी, मतलब उसके पीछे, उसके एक्सपीरियंस के पीछे होती है, उसके बारे में जानने के लिए हम इंटरव्यू इस्तेमाल करते हैं और इंटरव्यू की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इंटरव्यूअर कैन परस्यू इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अनाउंस्ड अराउंड द टॉपिक। अब टॉपिक के मुतालिक जो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यूअर वो होता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है, ठीक है, वो इन डेप्थ जाकर इंफॉर्मेशन जो है टॉपिक के मुतालिक वो ले सकता है। तो इंटरव्यूज जो होते हैं मे बी यूजफुल एज फॉलो अप टू सर्टेन रिस्पोंडेंट्स। जब हम खास किस्म के रिस्पोंडेंट्स के पीछे उनको फॉलो करते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो वहां से हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये तो ऑथर के मुताबिक जो है ना इंटरव्यू की डेफिनेशन है। होप सो कि आपने इस डेफिनेशन को एंजॉय किया होगा। ठीक है, अब डेफिनेशन के बाद हम थोड़ा सा आगे चले रिगार्डिंग इंटरव्यू डिस्कस करने जाएं, तो मैं आपको एक चार्ट शो कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ रिसर्च डेटा कलेक्शन टेक्निक्स, बेसिकली मैं डिस्कस इंटरव्यू को ही करना है, लेकिन इसको मैं अगर जूम करूं तो जो रिसर्च डेटा है, रिसर्च डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो दो किस्म का बेसिकली होता है, वो सेकेंडरी डेटा आप देख रहे हैं और प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा तो आपको पता है कि हम कोई सेकेंड हैंड, मतलब कहीं पे ऑलरेडी डेटा पड़ा होता है किसी वेबसाइट से या किसी अदारे से ले लेते हैं। लेकिन जो प्राइमरी डेटा है, प्राइमरी डेटा आगे फर्दर दो किस्म का होता है। प्राइमरी डेटा अगर आप देखें तो प्राइमरी डेटा क्वांटिटेटिव होता है और क्वालिटेटिव होता है। अगर हम क्वांटिटेटिव प्राइमरी डेटा की बात करें तो उसमें सर्वे डेटा आ जाता है, क्वांटिटेटिव में ऑब्जर्वेशन डेटा आ जाता है और एक्सपेरिमेंटल आ जाता है। लेकिन जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे हम दो तरह से करते हैं। एक सर्वे हम पर्सनल इंटरव्यू जाके, मतलब डोर टू डोर जाके पर्सनल इंटरव्यू करते हैं, और दूसरा हम टेलीफोन इंटरव्यू भी करते हैं। ठीक है, तो ये तो था क्वांटिटेटिव प्राइमरी डेटा की क्वांटिटेटिव टेक्निक। लेकिन अगर हम क्वालिटेटिव की तरफ आए तो क्वालिटेटिव की आगे तीन मतलब शाखें हैं। क्वालिटेटिव प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना तो हम फोकस कर सकते हैं ग्रुप्स को, हम इन डेप्थ इंटरव्यू कर सकते हैं और हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स लगा सकते हैं। ठीक है ना, ये एक प्लान था इंटरव्यू का जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम वन बाय वन कोशिश करते हैं इनको अंडरस्टैंड करने की। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ इंटरव्यू जो अभी मैं आपको एक चार्ट के जरिए शो कर रहा था, बेसिकली वो ये टाइप्स हैं, पांच टाइप्स जो आज हमने डिस्कस किए। आप एक पर्सनल इंटरव्यू भी कर सकते हैं, आप किसी का टेलीफोन इंटरव्यू भी कर सकते हैं, आप फोकस ग्रुप, किसी ग्रुप को फोकस करके भी इंटरव्यू कर सकते हैं, और आप पर्सन टू पर्सन जाके इन डेप्थ इंटरव्यू भी कर सकते हैं वन टू वन। और उसके अलावा कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं जिसमें प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं लोगों को और उनको कहा जाता है कि जी आप रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन जरा डिटेल में देखते हैं कि थोड़ा सा इनको डिटेल में देखते हैं ताकि बात जो है ना वो ज्यादा अंडरस्टैंड हो सके। सबसे पहले हम पर्सनल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। जो पर्सनल इंटरव्यू है, पर्सनल इंटरव्यू इज अ फेस टू फेस टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट वो होता है जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, ठीक है, और इंटरव्यूअर वो होता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है। तो जनरली द पर्सनल इंटरव्यू इज कैरिड आउट इन प्लान्ड मैनर, इज रेफर्ड टू एज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। दिस कैन बी डन इन
many farms, example given door to door or as a planned formal executive meeting, उसके ऑफिस में जाके भी आप मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल थी आपके सामने पर्सनल इंटरव्यू की और उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। पर्सनल इंटरव्यू के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फर्दर टाइप है आफ्टर द पर्सनल इंटरव्यू, अच्छा पर्सनल इंटरव्यू की हमने बात की, तो पर्सनल इंटरव्यू के भी आगे मेथड, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, बहुत सारी तैयारी इसके लिए चाहिए होती है, आसान नहीं होता। जनरली पर्सनल इंटरव्यू शुड गो थ्रू द फॉलोइंग फाइव स्टेप्स एज फॉलोज, जैसे कि आपको ये नजर आ रहे हैं फाइव स्टेप्स। उसमें हम मतलब एक रिपोर्ट बिल्डिंग होती है, उसमें इंट्रोडक्शन आपको करना पड़ता है, उसमें प्रोबिंग करनी पड़ती है, उसमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, उसमें क्लोजिंग आप करते हैं, ठीक है, और क्लोजिंग में बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं। अगले किसी लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये पांचों जो स्टेप्स हैं इसके पर्सनल इंटरव्यू के, इनको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो पर्सनल इंटरव्यू के बाद जो बाकी फर्दर हमारी टाइप्स थी उनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगले सेक्शन में हम इंशाल्लाह इसको रखेंगे कि मतलब ये प्रोबिंग क्या है या फिर क्लोजिंग क्या है या रिकॉर्डिंग क्या है। अब इसके बाद आ गया टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन इंटरव्यू में यू नो वेल के टेलीफोन इंटरव्यू इज द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट बाय आस्किंग हिम क्वेश्चंस ऑन फोन इज कॉल्ड एज टेलीफोन इंटरव्यू। सिंपली आप फोन लाइन के ऊपर किसी से सवाल पूछ लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टेलीफोन एंड कंप्यूटर हैज मेड दिस मेथड इवन मोर पॉपुलर, ठीक है। ये बहुत मोर पॉपुलर है कि मतलब वहां पे टेलीफोन और कंप्यूटर के जरिए आप उसका रिकॉर्ड कर लेते हैं इंटरव्यू, और आपको जाना भी नहीं पड़ता, और उस बंदे को भी बन सच के सवर के आपके सामने नहीं बैठना पड़ता। मतलब टाइम की बहुत बचत होती है, कॉस्ट की बहुत बचत होती है। इसके अलावा मैंने बात की फोकस ग्रुप की, ठीक है। फोकस ग्रुप इंटरव्यू, ये जो फोकस ग्रुप इंटरव्यूज हो पुरानी अनारकली में चले गए जी, फूड स्ट्रीट में चले गए, ठीक है, वहां पे जाके लोगों के ग्रुप्स में जो है ना इंटरव्यू कर रहे होते हैं। तो इससे डिस्कशन होती है बिटवीन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट्स ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, एक खास ग्रुप, एक खास टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिस्कशन होती है, जहां से आइडिया होता है कि लोगों के ख्यालात क्या है, ठीक है। तो ये टाइप थी फोकस ग्रुप इंटरव्यू की। होप सो कि यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, इज इट क्लियर टू यू? ओके, नाउ इन डेप्थ इंटरव्यू। अगर हम इन डेप्थ इंटरव्यू की बात करें तो इन डेप्थ इंटरव्यू नॉन डायरेक्टिव इन नेचर, वेयर द रिस्पोंडेंट इज गिवन फ्रीडम टू आंसर विद द बाउंड्रीज ऑफ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, इन डेप्थ जब आप इंटरव्यू करते हैं तो ये नेचुरली इनडायरेक्टिव होता है, आपको नहीं पता होता कि रिस्पोंडेंट क्या जवाब देगा और क्या नहीं देगा, ठीक है। लेकिन उसको मुकम्मल आजादी होती है, फ्रीडम होती है कि वो आंसर कर सके जो भी आपके टॉपिक की बाउंड्रीज हैं, ठीक है ना, उसके अंदर अंदर रह के, राइट। तो वो फिर इन डेप्थ इंटरव्यू भी यही होता है जो आप फेस टू फेस वन टू वन मतलब आप करते हैं, तो ये इन डेप्थ इंटरव्यू होता है। इसमें काफी सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, ठीक हो गया बात। इन डेप्थ इंटरव्यू के बाद अल्लाह आपका भला करे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स लास्ट वाला था, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। अब ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जैसे मैंने आपको बताया, इसमें प्रेजेंटेशंस इन्वॉल्व होती हैं, एम्बिगुअस कोई टॉपिक्स होते हैं, एम्बिगुअस केसेस होते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक्टिविटी और पर्सन दैट रिस्पोंडेंट इज एस्क्ड टू इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन, तो उसको कोई प्रोजेक्ट दे के, कोई गेम दे के हम क्या करते हैं, उसे कहते हैं कि आप जो है ना मतलब रिस्पोंडेंट से पूछते हैं और उसे कहते हैं जी आप इंटरप्रेट करें और इस बात को एक्सप्लेन करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल मार्केट्स बनाई जाती हैं, तो आर्टिफिशियल मार्केट्स को डेवलप करके वहां पे आर्टिफिशियल कंज्यूमर्स को छोड़ा जाता है और उनको पैसे दे के कहा जाता है कि जी जाएं आपके पास इतने पैसे हैं और आप मार्केट्स के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई और आप शॉपिंग करें, ठीक है। और वहां पे फिर वो जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो जिस तरह बिहेव करते हैं वो बिहेव उनका रिकॉर्ड हो जाता है, जहां से रिसर्चर को मदद मिल जाती है कि अगर एक
कस्टमर या कंज्यूमर के पास इतने पैसे हों, ठीक है, तो ये रेट्स हों और ये एक आर्टिफिशियल एक मार्केट के अंदर जाता है तो वो कैसे बिहेव करेगा, उनको कंज्यूमर बिहेवियर का मालूम चल जाता है। तो इन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स रिस्पोंडेंट्स आर एस्ट टू इंटरप्रेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड दिस वे दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिवील देयर ओन बिहेवियर, और इसी तरह वो क्या करते हैं अपना बिहेवियर भी उसके अंदर रिवील कर देते हैं सेम सिचुएशन में, ठीक है। तो सम ऑफ दीज टेक्निक्स आर डिस्कस्ड बिलो, ठीक है ना। तो इसकी जो टेक्निक्स है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो फर्दर हैं वो मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताता हूँ रिगार्डिंग प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। तो वो जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं ये उसका एक चार्ट मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, अगर आपको नजर आ रहा है तो आपकी स्क्रीन पे क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। इसमें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर जो है वर्ड एसोसिएशन होती है, इसमें सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होते हैं, इसमें कार्टून टेस्ट होते हैं, इसमें रोल प्लेइंग होता है, मतलब किसी को आपने एक्टिंग का रोल दे दिया कि आपने ये एक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड पर्सन टेक्निक्स होती हैं किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके, उसके अलावा पिक्चर इंटरप्रिटेशन या स्टोरी टेलिंग होती है, आप किसी को पिक्चर दिखा देते हैं और कहते हैं भाई इसके ऊपर तबसरा करें, ठीक है, तो या इसके ऊपर आप स्टोरी लिखें सही है ना। तो ये कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की मिसालें थी जो मैंने आपको शो की। तो इज इट क्लियर टू यू, होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, ओके। नाउ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बाद हम बढ़ रहे हैं कंक्लूजन की तरफ। सो वी कैन यूज द इंटरव्यू टेक्निक एज वन ऑफ द डेटा कलेक्शन मेथड फॉर द रिसर्च। हम इंटरव्यू को रिसर्च करने के लिए डेटा कलेक्शन मेथड के लिए की एक टेक्निक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मेक्स द रिसर्चर टू फील दैट द डेटा व्हाट ही कलेक्टेड इज ट्रू एंड ऑनेस्ट एंड ओरिजिनल बाय नेचर बिकॉज ऑफ द फेस टू फेस इंटरेक्शन। कहता है कि ये रिसर्चर के लिए, रिसर्चर इसमें ये फील करता है कि जो डेटा वो कलेक्ट कर रहा है वो सही है और वो ईमानदारी के साथ उसको कलेक्ट किया गया है, वो ओरिजिनल बाय नेचर है और फेस टू फेस उसकी जो है ना इंटरप्रिटेशन होती है, समझे आप बात। तो ये हमारा इस सेशन का, आज के लेक्चर का हमारा ये टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। तो होप सो के आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है काइंडली तो आप क्वेश्चन कर लें।